Love story pure 9 months ki. अम्मा प्रणाम. कब से फोन लगा रहे हो? नंबर क्यों ना मिल रहा हो तेरा? अरे अम्मा वो फोन स्विच ऑफ कर दिए थे, बंद कर दिए फोन. कहे कि ना बैटरी कम था और सोचे कि यहाँ पहुँच के फिर तुमको कॉल करेंगे इसलिए. देख लल्ला, तू घर से दूर है लेकिन हमसे दूर नहीं जाने देंगे. फोन हमेशा अपना चालू रख. डर के मारे हाथ पाँव फूल रहे हो अम्मा. अरे हाँ हाँ अम्मा ठीक है, टेंशन काहे ले रही हो, अब हमारा फोन चालू ही रहेगा. अच्छा ये बताओ सब ठीक तो है? कोई बवाल तो नहीं हुआ घर पे? अरे वो तू रहने दे, पहले जे बता कि कौन से शहर पहुंचो है तू? अम्मा माया नगरी में है. मुंबई, सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं. कहाँ बोल रहे? सच्ची? कहाँ हमारी कसम? अरे बिल्कुल तुम्हारी कसम अम्मा, मुंबई में हम. अच्छा बता मुंबई दिखने में कैसी है? जैसे दिखाते हैं वैसी? अरे वो कीचड़ कर रहा है. उसम की अम्मा कहाँ? यही तो थी, रसोई में होगी. बंसी वाले ने तुझे मुंबई पहुंचाया है ना? जा, जाके दर्शन करा. उनका हाथ सर पर रहेगा ना तो सब मंगल होगा. अरे अम्मा तुम ही ना, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे भगवान हमारी नहीं बनती, हम नहीं जाएंगे मंदिर मंदिर. अरे उल्लू हम बच्चन साहब का दर्शन करने की बात कर रहे हैं. उनसे आशीर्वाद ले ले, वैसे भी तुम्हारे अपने बापू का तो आशीर्वाद मिलने से रहा तो कम से कम उन्हीं से ले ले. वही तो कहते हैं कि रिश्ते में तो हम सबके बाप लगते हैं. अच्छा सुन लल्ला, तू रहेगा कहाँ? अम्मा हम रहेंगे वो टीलू के यहाँ. टीलू प्रजापति याद है? अरे जिसके साथ हम स्कूल जाते थे. वही जिसकी नाक बहती रहती थी हमेशा? हाँ हाँ वही जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी. उससे बात हो गई है, उसी के साथ रहेंगे कुछ दिन. अच्छा अच्छा ठीक है. अच्छा सुन अपने सामान का ध्यान रखना. हमने फिल्म में देखा है. कौन सी फिल्म थी? स्वर्ग. उसमें इधर गोविंदा मुंबई पहुंचो और उधर उसका सामान गायब. हाँ बा कोने में खुसर पुरसर किससे बात कर रही? अरे मुंह से कछु फूटेगा? चिप वो चिप वो की ये का मिर्गी का दौरा पड़ा है? किससे बात कर रही थी? कहीं तुम्हारे लल्ला तो ना है? हाँ लल्ला से ही बात कर रहा था. का? मिस्टर सिन्हा आपके होने वाले ग्रैंड चाइल्ड के लिए गिफ्ट्स में खुद ही सेलेक्ट करूंगी. यस ऑफ कोर्स, साक्षी के लिए सरप्राइज ही रहेगा जी. राइट अप डोंट वरी, आपके गेस्ट को हम गिफ्ट्स के साथ ऐसे मेमोरेबल नोट्स देंगे कि वो हमेशा याद रखेंगे. ओके बाय. आलिया जी, हाउ मे आई हेल्प यू? थैंक्स, मैं सिर्फ कुछ चेक करने आई हूँ. sure. अचार की बर्नी को लल्ला मान के इससे बात करके मन हल्का कर रहे थे. दिमाग खराब है तुम्हारा? बनाला की बात जी अचारन से करोगे जब भी सड़ जाएंगे. चार दिन बस, चार दिन रुक जाओ. एक बार पैसे खत्म हो जाए ना तो जय कहीं गोवर्धन बरसाने घूम फिर के वापस आ जाएगो. बरसाने ना ही कभी हमें समझे आएंगे और ना ही हमें कभी समझ पाएंगे. गाड़ी में मोटर ना लगी हो तो पहिए गली में बाल कर चलावे. तुम्हारा लल्ला एक घिसो हुआ पहिया है,
पाको मोटर गाड़ी होने को भरम है गया है। हाँ कितना काला बोल रहे हो अपने लल्ला के लिए। सही बोल रहे हैं, हफ्ता भर में नाक रगड़ता हुआ वापस ना आ जाओ तो हमारा नाम बदल देना। हेलो लल्ला, लल्ला लाइन पर है का तू? हाँ हाँ अम्मा फोन पे हैं। तो बात ये है अम्मा कि कह दो अपने पति परमेश्वर को कि नया नाम सोच लें, क्योंकि अपना अम्मा हम पीछे पलट के नहीं देखेंगे। मुंबई आए हैं नाम कमाने और नाम कमाएंगे, देखना तुम। लल्ला ध्यान रखना। हाँ रखते हैं अम्मा, प्रणाम। बाहर बारिश हो रही है और फिर आपको ठंड लग जाएगी, फ्लोर भी ठंडा है। इसमें मेरी आलू वार्म लेगी। थैंक यू मामा। बेचारी बच्ची, पापा के पास टाइम नहीं है और माँ घर और उसे छोड़ के चली गई। लगता है बारिश होने वाली है। लगता है बारिश होने वाली है। हो ना, मुंबई की बारिश है, कभी भी शुरू हो जाती है। लगता है मुंबई में पहली बार आया है। हाँ काम के लिए आया है या घूमने के लिए? गालिब ने कहा है कि जिंदगी उसी की है जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है मरने के लिए। ए बाबा, मुंबई में क्या मरने के लिए आया है? ये डा साला इसकी का है, अपना नहीं तो अपने आए बाबा का तो सोच। चाइला। अरे मेरा क्या नाम है आपका? रमेश माधवराव शिंदे। रमेश भाई ऐसा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। अरे ले देखे तो अभी जीना शुरू किया है मैंने, अभी से मन्ने मानने की बात। अपनी पहचान बनाने आए हैं मुंबई। अच्छा हीरो बनने आया है? राइटर, दिल से लिखते हैं और लगता है ठीक ठाक ही लिख लेते हैं। और ये रौनक देखे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी आ जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता हमारा यहाँ। तेरे को मालूम है एक मामूली झाड़ को उगने के लिए 24 घंटा, कभी कभी एक हफ्ता तो कभी 10 दिन लगता है, लेकिन एक बाम्बू के झाड़ को पूरे 5 साल लगते हैं जमीन से ऊपर आने के लिए। वो ना मस्त में अंदर तैयार होता है, इसीलिए देखना जैसे ही वो बाहर आता है कैसे जर्र से ऊपर पड़ने लगता है। सबसे ऊपर आ, तू भी ऐसा सोच, तू भी इतने साल तैयार हो रहा था, अभी मुंबई आ गया है ना, बन जाएगा पहचान तेरा भी। वाह इतनी अच्छी और गहरी बात बोली है रमेश भाई आपने, याद रखेंगे इसे कसम से। बोक 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 सब बुक चाहिएगा, शेक्सपियर मिलियन की सब बुक लो ना, आप देखो बुक। अरे ये हमारी फेवरेट किताब है यार। हाँ साहब सिर्फ 300। गुलजार साहब का सिग्नेचर है इसमें। अरे उनका ऑटोग्राफ है। अरे हाँ साहब जल्दी लो, सिग्नल खुलने वाला है। ये किताब नहीं सोना है, सोना, और तुम इसे ऐसे बेच रहे थे, मतलब इसे हम सीने से लगा कर रखते हैं यार। शायद ये साहब आपके नसीब की है, तो 500 निकालो। वाह आला मोटा चाणा, अभी तो 300 बोला था। हा? अरे भाऊ मालूम नहीं था बुक में ऑटोग्राफ है, वो भी गुलजार साहब का। अरे साहब जल्दी करो, सिग्नल खुलने वाला है। अरे खाली पीली। अरे वो किताब दे, अरे मुझे खरीदनी है। अरे दो इधर। ए हीरो एक। थका दिया तूने।
आप इधर। अरे वो किताब जिसमें गुलजार साहब का सिग्नेचर है, राहत पश्मीने की। हाँ साहब, 500 रुपए। साहब अब तुम इतना भाग कर आए तो अपन आपको डिस्काउंट देते हैं, 400 दे दो। तो साहब थैंक यू भाई। अरे अरे साहब भूख संभालो, भीग जाएगी तो ऑटोग्राफी मिट जाएगा। कहाँ है तू? मैं कहाँ हूँ, मैं बेबी शॉप में हूँ। अरे वाह, एडवांस में प्लानिंग कर रही है? नहीं यार, आई तो मैं किसी काम से थी, पर अब सोच रही हूँ अपने लिए भी शॉपिंग कर लूँ। नहीं यार, वर्क फॉर होम में वो बात ही नहीं है। यू नो मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। सर आप डोर ब्लॉक कर रहे हो, प्लीज अंदर आइए ना। सॉरी सॉरी, मैं ऑफिस में भी नर्सरी बनाऊंगी राबिया। ऑफिस में? आलिया आई थिंक तुझे बच्चे के बाद ब्रेक लेना चाहिए। मैंने एक नहीं दो बार अपने दोनों बच्चों के टाइम ब्रेक लिया था एंड मेरे करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट्स गोइंग ग्रेट। और सुन, अगर तुझे काम करना ही है ना तो तू घर से काम करना। आई एम श्योर कोविड के टाइम पर तुझे वर्क फ्रॉम होम की आदत तो पड़ी होगी। नहीं यार, वर्क फ्रॉम होम में वो बात ही नहीं है। यू नो मीटिंग्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, टीम के साथ इंटरेक्शन होता है। फ्रैंकली जब तक मैं गिफ्ट को देख कर टच करके अप्रूव ना करूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। परफेक्शनिस्ट इज द राइट। वैसे आलिया, तुझे अगर नैनीज की हेल्प चाहिए? नो, नैनीज के पास उसे छोड़ने का ऑप्शन मैं कंसिडर भी नहीं कर रही। अपने जैसा बचपन नहीं देना चाहती हूँ मैं उसे। हमेशा उसे अपने पास रखूंगी और इसीलिए बस यही होगा कि मैं ऑफिस में भी नर्सरी बना लूँ। एंड कम ऑन, बच्चे होने के बाद वीर तो अपने करियर से ब्रेक नहीं लेगा, तो फिर मैं क्यों लूँ? यू नो राबे, अब हमारे वहाँ कितनी कम मॉम फ्रेंडली कंपनीज हैं। हम यंग मॉम्स को सपोर्ट ही नहीं देते हैं जो डिजर्व करती हैं। तो ही बता, अगर एक यंग मदर घर के काम के साथ अपने बच्चे को देख सकती तो ऑफिस में काम क्यों नहीं कर सकती? आई एम टेलिंग यू, अगर सही फैसिलिटीज मिले ना तो एक औरत को कभी भी अपने काम और बच्चे के बीच में चूज नहीं करना पड़ेगा। वाओ, क्या बात कही है तूने, वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा सुन, मेरे एक पेशेंट आ गए, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चल बाय। लाइफ तुम्हारी है, ड्रीम्स तुम्हारे हैं, व्हिच मींस वन लाइफ पूरा भी तुम्हें ही करना है। अपने लिए मेहनत नहीं करोगे लाइफ में कोई रिवाइव और के लिए करनी पड़ेगी। तो जैसी जिंदगी जीनी है अपने सपने पूरे करने, वैसी जिंदगी बनाओ अपने किसी और के। आलिया जी, शॉपिंग बास्केट्स हैं? हाँ।
जी जी बीच तेरे मेरे कौन सी कड़ी है, कौन से ये धागे है जिनको धाम भागे आगे खुशियां खड़ी है। स्टोरी लव स्टोरी तेरी मेरी पूरे 9 मंथ्स की, सबकी है मिलती जुलती पर अपनी है थोड़ी अलग सी। किसी सूखे रेगिस्तान में ठंडी हवा जैसी तुम, किसी भटके मुसाफिर को अचानक मिली मंजिल जैसी तुम, तुमने सपनों का जहां खोल दिया मेरे लिए, तुमने उम्मीद को एक नाम दिया मेरे लिए। तुमसे रिश्ता तो नहीं है कोई, मगर तुमसे जो रिश्ता है अलग है सबसे। शुक्रिया तुमको कहूं कैसे कि बहुत छोटा है वो, तुमने तो मेरी जिंदगी दी है मुझको। सोचा न कभी भी पर हुआ यूं कुछ अजीब हो, लगता था जो प्यारा अपनों से भी करीब हो। अब खुशी के मंजर संग तेरे दिखे हैं, दो अलग फसाने जाने किसने कैसे एक पन्ने पे लिखे हैं। स्टोरी लव स्टोरी तेरी मेरी पूरे 9 मंथ्स की। अरे थैंक यू बोलना तो भूल ही गए। आलिया जी ने पैसे क्यों दे दिए हमको? सामान टैक्सी में भूल गए हम अपना सामान। आई दीदी आ गए। सुनीता ये सब प्लीज स्टोर रूम में रख दो। लो ये दी भाई उड़ो। लो 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 क्या है ये पता नहीं। रोज मैं यही सोचती थी कि इतना बड़ा घर और इतना खाली, इसमें भी कोई आवाज करने वाला मांगता है कि नहीं। और इसलिए तुमने इतने जोर से चिल्लाया? दीदी आप मेरे को नहीं बताओगे तो क्या मेरे को पता नहीं चलेगा क्या आप माँ बनने वाले हैं ना? तुम्हें कैसे पता? पता चल गया मेरे को। इतना सामान क्या खाली पॉकेट का लेके आए क्या दीदी? दीदी सुना तो मैं आज ही आपको बता देती है, उसकी मालिश मैं करेगी। हाँ 3-3 बच्चों का एक्सपेंस है मुझे। वो डाइट का खाना पहले बंद, जो मैं बना के देगी वो सब खाना पड़ेगा। क्या है ना आप जो खाओगी ना वही बच्चा भी खाएगा। हाँ देखो ना कितना मजा आएगा, जो ना वो ऐसा घर में दौड़ भागेगा, मैं उसके पीछे पीछे। वैसे दीदी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। वो नहीं आपका कौन सा चल रहा है? तुम बताओ ना, तुम्हें तो 3-3 बच्चों का एक्सपीरियंस है। वैसे दीदी ना आजकल आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इसके लिए बेटी होएगी। हाँ वाओ वेरी नाइस। हाँ पर माई डियर सुनीता तुम्हारे 3-3 बच्चों का एक्सपीरियंस फेल हो गया है। मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
मजाक कर रहे हो ना दीदी? तो फिर वो इतना सारा सामान और वो बुक। सुनीता तुमने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या कहा। मैंने कहा मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं। मतलब दीदी प्लानिंग ना। बस बस अब ये टॉपिक खत्म। जाओ मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे एक अच्छी सी कॉफी बनाओ। ठीक है लाती हूँ। नहीं 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 कॉफी नहीं, चाय बनाना और अच्छी चाय। 20 मिनट में मेरा वर्क कॉल है। ओके हाँ कुछ खाने के लिए भी लेके आती हूँ। जो मैं खाऊंगी मेरा बेबी भी वही खाएगा। फ्रॉम नाउ ऑन यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आलिया। सामान का ध्यान रखना। हमने फिल्म में देखा है। वो कौन सी फिल्म थी? स्वर। इधर गोविंदा पहुंचा मुंबई, उधर उसका सामान गायब। मेरा सामान चोरी हो गया। अरे अब क्या करें? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.